इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। डायने 35 टैबलेट भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। इसे हर दिन एक ही समय पर लें क्योंकि इससे आपको इसे लेना याद रखने में मदद मिलेगी। खुराक और अवधि इस बात पर निर्भर करेगी कि आपके लिए क्या इलाज किया जा रहा है, लेकिन आपको हमेशा इस दवा का पूरा कोर्स अपने डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार पूरा करना चाहिए। इस दवा के सबसे आम दुष्प्रभावों में जी मचलना, पेट दर्द, सिर दर्द, वजन बढ़ना और स्तन दर्द शामिल हैं। यदि ये आपको परेशान करते हैं या गंभीर दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि आप अक्सर चक्र के बीच में स्पॉटिंग या ब्राउन डिस्चार्ज का अनुभव करते हैं। यदि आप अपने अंगों में अस्पष्ट सूजन और दर्द, सांस की तकलीफ, सीने में दर्द या दृष्टि में परिवर्तन देखते हैं तो आपको अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। दवा के साथ जारी न रखें और यदि उपचार के एक सप्ताह के भीतर आपकी अवधि शुरू नहीं होती है तो डॉक्टर से परामर्श लें। आपके डॉक्टर को आपके द्वारा ली जा रही अन्य सभी दवाओं के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि इनमें से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो दवा के उपयोग से बचें। डायने टैबलेट के लाभ। पॉलिसिस्टिक डिम्ब्रंथि सिंड्रोम का उपचार। पॉलिसिस्टिक डिम्ब्रंथि सिंड्रोम वाली महिलाओं में एंड्रोजन नामक पुरुष हार्मोन का उच्च स्तर होता है जो अनियमित मासिक धर्म चक्र, अत्यधिक बालों के विकास और मुहासे के लिए जिम्मेदार होते हैं। डायने 35 टैबलेट एक संयोजन दवा है जो इन एंड्रोजन के उत्पादन के साथ साथ महिलाओं में मासिक धर्म को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह बालों के अत्यधिक विकास और मुहासों का प्रभावी ढंग से इलाज करने में भी मदद करता है। इसे डॉक्टर के बताए अनुसार लें। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी खुराक को न छोड़ें और अपने चिकित्सक के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें। डायने टैबलेट के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। डायने के सामान्य दुष्प्रभाव। जी मिचलाना, पेट दर्द, सिर दर्द, भार बढ़ना, ब्रेस्ट दर्द, मनोदशा में बदलाव। डायने टैबलेट का उपयोग कैसे करें। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, क्रश या तोड़ें नहीं। डायने 35 टैबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।